मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक हेयर केयर सीरीज़ होने वाली है। मैंने कल एक रेमेडी शेयर किया था जो कि हेयर ऑयलिंग के ऊपर था। अगर आप चाहते हो इस सीरीज़ को फॉलो करना, अगर आपके बहुत ज़्यादा डल, फ्रीजी, डैमेज्ड हेयर है तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस सीरीज़ के दौरान मैं कुछ होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके बालों के लिए डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मैं शुरू करती हूँ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है डे टू एंड डे टू पर हम एक हेयर मास्क प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। सो पहले देख लेते हैं कि हेयर मास्क के इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है, जो इस हेयर मास्क के की इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ डेफिनेटली कर्ड। अगर आपके हेयर की फ्रीजीनेस की बात आता है एंड आप कर्ड मतलब कि दही यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। दही इज़ अमेजिंग फॉर योर हेयर। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। एंड दही में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके वजह से आपके हेयर की अगर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, डल है, फ्रीजीनेस है तो उसे भी दूर कर देता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की इश्यूज़ है तो उसे भी ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट जो हमारी इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ करी लीव। करी लीव इज़ अमेजिंग फॉर योर हेयर क्योंकि ये हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा तो करी लीव बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपकी प्रीमैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करता है, शाइन वापस लाता है, आपकी हेयर की स्ट्रैंड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ अमेजिंग अगेन। सारे ही इन्ग्रीडियंट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिविजुअली। अब जो इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांटेड है तो आप डेफिनेटली उसे यूज़ कर सकते हो। उसे आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना पड़ेगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला यूज़ कर सकते हो। तो एलोवेरा जेल में क्या होता है, एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपकी हेयर की फ्रीजीनेस को ट्रीट करने में। आपके हेयर की फ्रीजीनेस को भी ट्रीट करता है, साथ ही साथ ये आपके हेयर की जो शाइन है उसे बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। आपकी हेयर की इलास्टिसिटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ आमंड ऑयल। यहाँ पर अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। आमंड ऑयल, मैंने कल भी बोला था कि आमंड में क्या होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो आमंड ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच है। विटामिन ई होता है आमंड में, आमंड ऑयल में, तो ये आपके बालों को अच्छे से नरिश करेगा। जो भी आपके डैमेज्ड हेयर है, आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स है, उसे ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स, अब जाते हैं हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस पर। यहाँ प्रिपरेशन के लिए मैंने फ्रेश करी लीव्स यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप करी लीव्स का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग दही लिया है और फिर मैंने इस पर करी लीव का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल ऐड किया है एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल यूज़ किया है। आमंड ऑयल की जगह आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से आप इसे मिक्स कीजिए या तो फिर आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। अच्छे से अपने बालों को डिटेंगल कीजिए, देन पूरे हेयर के लेंथ पर, रूट्स पर अच्छे से आप इस हेयर मास्क को अप्लाई कीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस मास्क को प्रिपेयर करना है एंड कैसे आपको इसे अप्लाई भी करना है आपके पूरे हेयर पर। आपको पूरे हेयर की स्कैल्प से लेकर के, हेयर रूट से लेकर के एकदम एंड तक आपको इस हेयर मास्क को यूज़ करना है एंड देन लीव इट फॉर 1 आवर एंड देन आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपके पास आप खुद देख सकते हो रिज़ल्ट। मेरे बातों पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना, एकदम विश्वास मत करना। आप खुद ट्राई करो, आप खुद देखो कि आपका रिज़ल्ट क्या मिलता है। आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि दिस इज़ वंडर फॉर योर हेयर। तो इतने
एप्लीकेशंस आपको कर लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीक में आपको एक बार इस हेयर मास्क को ज़रूर अप्लाई करना है। एक महीने तक आप इसे अप्लाई कीजिए, देन आप देखिए कि आपके हेयर की जो फ्रिजीनेस है, डैमेज्ड है आपके हेयर, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये है डे टू। डे वन भी आपको फॉलो करना है, देन आपको हेयर वॉश कर लेना है, एंड ये है डे टू। मैं सीरीज़ जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी करूँगी, जिससे आपकी जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ कल डे थ्री पर। तो इस रेमेडी को ज़रूर आप यूज़ कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।